श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकश राम राम श्री राम राम शरण भव राम राम अंजनानंदन बीरम अंजनानंदन बीरम जानकी सो कनासनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम बने तो रघुबर से बने नत बिगरे भरपूर तुलसी जोया जग से बने ता बनवे में धूर एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास गिराय रथ जल बीच शम कहियत भिन्न न भिन्न बंदहु सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न दादू दुनिया जात को निसदिन धुनत कपाश जा दिन संत नयावै ता दिन करत उपास। बोलिए राजा रामचंद्र जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की, वेद भगवान की, संत भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, हर हर महादेव, जय जय सीताराम। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। परमाध्यक्ष स्वयं श्री यज्ञ नारायण भगवान, मंचस्थ स्वामी सत्य प्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज एवं हमारे श्री संत स्वामी जी महाराज एवं महंत जी महाराज, इस यज्ञ के संरक्षक पूज्य बाबा कल्याण दास जी महाराज, अन्यान उपस्थित संत वृंद, रसज्ञ श्रोता बंधु, श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों, राष्ट्रीय उपवन के फूलते फलते नवनिहाल बालक बालिकाओं, भगवान का नाम लें, श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक भगवान का नाम लें, अनुराग के साथ भगवान का नाम लें। श्री राम जय
जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय हो राम जय जय अवध बिहारी राम जय जय अवध राम श्री राम जय राम जय जय राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे दशरथ भक्तवत्सल भगवान की श्रीमन्नारायण भगवान की श्री राम कथा का आज प्रथम दिवस है। आप सब श्रद्धालुजन भगवान श्री राम की कथा सुनने के लिए उत्सुक हैं। प्रथम दिन की राम कथा में यह समझना पड़ेगा कि श्री राम के आने का हेतु क्या है, श्री राम किन परिस्थितियों में आते हैं, श्री राम को प्राप्त करने के लिए किन उपायों को करना पड़ता है, आज यह समझें। अच्छा भाई, श्री राम जी को प्रकट करने के लिए हमने कितने उपाय किए, लेकिन श्री राम जी का जो प्रतिद्वंदी बनकर के आया रावण, यह रावण भी किन परिस्थितियों में पैदा हुआ, तो आज श्री राम के जन्म का हेतु और रावण के जन्म का हेतु, यह अंतर समझना है। श्री राम जी का जन्म महाराज मनु और शत्रुपा की तपस्या, परमात्मा को प्रकट करने के लिए प्रेम की प्रधानता है। इस प्रसंग में प्रेम प्रधान है। यदि भगवान श्री राम अयोध्या में प्रकट होते हैं तो वह अयोध्या धाम के चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ भी प्रेम मूर्ति हैं। उनकी तीन रानियां हैं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। कौशल्या भक्ति स्वरूपा है, केकई क्रिया स्वरूपा है और सुमित्रा उपासना स्वरूपा, उपासनात्मक। तो क्रिया, भक्ति और उपासना जहां तीनों एक साथ रहते हैं वहां चार फल प्रकट होते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये तीनों एक साथ होना चाहिए,
भक्ति, क्रिया और उपासना, ये तीनों एक ही स्थान पर हैं। कौशल्यादि नार प्रिय सवयाचरण पुनीत पतियन कूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। प्रेम दृढ़, दृढ़ प्रेम होना चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, दृढ़ प्रेम की आवश्यकता है। इसलिए आप सब अपने जीवन में दृढ़ प्रेम एकत्रित करें, दृढ़ प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंच जाए, परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। महाराज मनु और शत्रुपा के जीवन में भी प्रीति की पराकाष्ठा है, प्रेम है। आज हम सुविधाओं के दौर में चल रहे हैं, जब हम सुविधाओं के दौर को स्वीकार करते हैं तो सिद्धांत हमसे दूर हो जाता है। इसलिए हम लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सिद्धांत को स्वीकार करें, सुविधाओं को प्राथमिकता न दें। महाराज मनु ने संकल्प लिया कि आज मैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए नैमिषारण्य तीर्थ में जाऊंगा। चलने लगे तो पहले चलने के पहले तो एकांत कक्ष में रोने लगे। जब एकांत कक्ष में रो रहे थे तो महारानी शत्रुपा ने जानकारी ली कि इस समय महाराज कहां हैं। तो एकांत कक्ष में रो रहे थे महाराज श्री मनु, शत्रुपा जी पहुंची, प्रणाम किया और कहा, महाराज आज दुखी क्यों हैं आप, कारण क्या है? महाराज मनु ने कहा कि मैंने जीवन में भजन नहीं कर पाया। देखो महाराज मनु इसलिए रो रहे हैं कि मैंने जीवन में भजन नहीं किया, और आज लोग इसलिए रो रहे हैं कि मैंने भोजन नहीं किया। क्यों भाई, भजन के लिए कोई नहीं रोता, सब भोजन के लिए रो रहे हैं। और याद रखना, भोजन में मात्रा है लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है। भजन में कहीं मात्रा लगी है? भाजा ना, यहां कोई मात्रा नहीं है इसमें, और भोजन में मात्रा है। तो आप भोजन में मात्रा का ध्यान रखें और भजन में मात्रा का ध्यान ना रखें, क्योंकि इसमें मात्रा है ही नहीं। तो कहा मैंने भजन नहीं कर पाया, शत्रुपा जी ने कहा तो भजन कर लीजिए। कहा पहले बेटे को बुलाओ और बेटे को ये राजपाट दे दें, इसके बाद भजन करें। तो जब बेटे को बुलाया गया तो बेटा भी कैसा होना चाहिए, देखो पुत्र कैसा होना चाहिए, आज की श्री राम कथा से यह समझ लीजिए। पुत्र कैसा होना चाहिए, जैसे ही मनु जी ने अपने पुत्र को बुलाया तो पुत्र ने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी आज्ञा करें। महाराज मनु ने कहा कि मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूं। बेटे ने कहा कि आप जब तक जिंदा हैं तब तक मैं राजा नहीं बनूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए राज्य का संचालन तो करूंगा लेकिन राजा नहीं बनूंगा। महाराज मनु ने कहा कि मैं राज्य दूंगा, बेटे ने कहा मैं लूंगा नहीं। मनु जी कहते मैं दूंगा, बेटा कहता मैं लूंगा नहीं। वो आज का बेटा जबरदस्ती मालिक बनना चाहता है, बोलो बनना चाहता कि नहीं? हमारे यहां एक नियम है कि पिता के मरने के बाद कपाल क्रिया का विधान, यहां होता होगा उड़ीसा में कपाल क्रिया, कपाल क्रिया का विधान है। और वह कपाल क्रिया कौन करता है? पुत्र। लेकिन ईमानदारी के साथ आप बताएं, अखबारों में आप रोज पढ़ते हैं, वैसे नियम यह है कि पिता के मरने के बाद पुत्र पिता की कपाल क्रिया को करता है, आज का पुत्र जिंदगी में पिता की कपाल क्रिया करने लगता है। बोलो जिंदा में कर रहा है कि नहीं? केवल धन के पीछे, स्वार्थ के पीछे, लालच के पीछे। श्री राम कथा से संदेश मिल रहा है। महाराज मनु ने अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटा राज्य ले लो।
बेटा कहता है पिताजी जब तक आप जीवित हैं तब तक हम राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए राज्य का संचालन तो करेंगे लेकिन राज सिंहासन को स्वीकार नहीं करेंगे, यह है मर्यादा। गोस्वामी जी कह रहे हैं बरबस, बरबस मानी है जबरदस्ती, बरबस मानी क्या है जबरदस्ती। बेटा लेना नहीं चाहता है, बाप देना चाहता है, बरबस राज सुतेन्द्रपदीना तुनारी समेत गवन बल कीना, नारी समेत गवन मन कीना, जबरदस्ती पुत्र को राज्य दिया, राजा बनाया। शत्रुपा से यह कहा नहीं था कि आप मेरे साथ चले, लेकिन नारी समेत गवन वन कीना, अपने आप ही शत्रुपा अनुगामनी बनके चलने लगी। पत्नी का धर्म कहता है कि वह सदा पति के पीछे चले और उस परिवार का हालचाल मत पूछा करो, जहां पति आगे चल रहा हो उसके पीछे पत्नी चल रही हो उससे ये मत पूछो कि कैसा तुम्हारा हाल है। अरे जिसकी चाल अच्छी है उसका हाल अच्छा होगा, क्यों भाई? जिसका चाल अच्छा है उसका हाल अच्छा होगा, क्योंकि पति आगे चल रहा है और पत्नी पीछे चल रही है। अरे हाल अगर पूछना है तो उसका पूछो कि जहां पत्नी आगे चल रही हो और पति पीछे पीछे भाग रहा हो, उसका हाल पूछो। चाल से हाल पूछना चाहिए, हाल से चाल नहीं पूछना चाहिए, समझे कि नहीं? यहां देखें आप कितनी सुंदर चाल है, बर बसराज सुतहीन पुदीना तो नारी समेत गवन वन कीना। पत्नी के सहित चल रहे हैं महाराज मनु और नैमिष तीर्थ में पहुंच गए। यह है परंपरा, भगवान श्री राम के जन्म का यही क्रम है, यह जन्म का हेतु है। जैसे नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंचे तो तपस्या करने लगे। अब एक समझौता हुआ, देखो पति पत्नी में क्या समझौता हुआ, बड़ी विचित्र बात है। महाराज मनु ने कहा देखो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता हूं, नहीं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी श्रद्धा का मैं अंत कर दूं, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। अपनी इच्छा से तुम जो भक्ति करना चाहो करो, स्वतंत्र हो, हम प्रतिबद्धित नहीं करेंगे। महाराज मनु ने कहा लेकिन देवी शत्रुपा इस बात का ध्यान रखना, मैं तपस्या करूंगा लेकिन मैं तपस्या तो करूंगा लेकिन खड़े होकर के तपस्या करूंगा, बैठ करके नहीं करूंगा, और तेरी इच्छा जैसी हो तू बैठ करके कर। शत्रुपा जी ने कहा जब आप खड़े होकर के तपस्या करेंगे तो मैं भी खड़ी होकर के ही तपस्या करूंगी। महाराज मनु ने कहा कि मैं एक पैर के बल खड़े होकर के तपस्या करूंगा, तो शत्रुपा जी ने कहा कि मैं भी एक पैर के बल खड़ी होकर के तपस्या करूंगी। तुलसीदास जी से पूछा क्या दोनों ने एक ही पैर के बल खड़े होकर के तपस्या किया? हां, ठाड़े रहे एक पद दो, दोनों एक ही पैर पर खड़े हो गए। महाराज मनु ने कहा कि अच्छा एक बात समझना शत्रुपा, मैं भोजन नहीं करूंगा। शत्रुपा जी ने कहा तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी। महाराज मनु ने कहा मैं फलाहार करूंगा। शत्रुपा जी ने कहा मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकती हूं, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी, यदि आप फलाहार करेंगे तो आप जब फलाहार करेंगे तो आपके फलाहार का शेष उच्छिष्ट जो बच जाएगा बाद में प्रसाद के रूप में मैं उसे स्वीकार कर लिया करूंगा, मैं पूर्ण फलाहार भी नहीं करूंगी।
इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि करहीं आहार सात फल कल्ला सुन रही ब्रह्म सच्चिदानंदा। ब्रह्म सच्चिदानंद का स्मरण कर रहे हैं। श्री राम को प्राप्त करने के लिए परिवार में प्रेम की आवश्यकता है, यानी पत्नी अगर पति के अनुकूल चलती है तो निश्चित उसकी गोद में श्री राम प्रकट होंगे, लेकिन अनुकूल होना चाहिए। आज अनुकूलताएं ही तो नहीं बन पा रही है जी, यही विरोधाभास की स्थिति पनपती जा रही है, अनुकूलताएं नहीं बन रही है। पत्नी पति को नहीं देखना चाहती है, पति पत्नी को नहीं देखना चाहता है, दोनों एक दूसरे से प्रेम संबंध स्थापित नहीं करना चाहते हैं। एक वैमनुष्य का संबंध बना हुआ है, एक क्रोध का संबंध बना हुआ है, एक विरोधाभास का संबंध बना हुआ है। अच्छा, कभी कभी तो ऐसी स्थितियां समझ में आ जाती हैं। बड़ी विचित्र बात मैं आपको बताऊं, एक बार पति पत्नी में बड़ा विरोध हुआ और उस विरोध यहां तक हुआ कि मेरे तक पहुंच गया, मेरे पास आया तो कहा, महाराज जी आप मेरी पत्नी को समझा दीजिए, नहीं तो मैं आपके चरणों में आत्महत्या कर लूंगा। अरे मैंने कहा तू ऑन स्पॉट पर मेरे चरणों में मरेगा तो तू तो जाएगा घर और मैं जाऊंगा सेंट्रल जेल। तो ये क्यों कहता है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, कहे आप समझा दीजिए। मैंने कहा कितने साल से तू पत्नी के साथ रह रहा है, उसने कहा कि मुझे हो गया 22 वर्ष। मैंने कहा तू 22 वर्ष में अपनी पत्नी को नहीं समझा पाया, मैं 2 घंटे में क्या समझाऊंगा। कह नहीं आप संत हैं, आपकी बात का प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने पत्नी को बुलाया, समझाया पति से प्रेम किया करो, उपासनात्मक प्रेम होना चाहिए पति से, और प्रेम से रहा करो। कहे स्वामी जी प्रेम से तो हम रहे, लेकिन जो मेरी इच्छा है उस इच्छा में इनकी इच्छा मिलती है नहीं, ये अपनी इच्छा अलग से प्रकट किए हुए, अपनी इच्छा अलग से माने हुए हैं। हमने कहा तेरी इच्छा क्या है। कहे स्वामी जी हमारी इच्छा ये है, हम आज कई वर्षों से प्रयासरत हैं कि हम अपने पुत्र को डॉक्टर बनाएं। वो ये कहते हैं कि नहीं हम तो मास्टर बनाएंगे, तो ये कहते मास्टर बनाएंगे पुत्र को, मैं कहती हूं डॉक्टर बनाएंगे। अब समस्या ये है कि आप कह दीजिए कि ये भी स्वीकार कर ले हमारी शर्त को कि बेटे को डॉक्टर बनाना है। मैंने कहा कि बेटा कितने वर्ष का है, कहे अभी तो पैदा ही नहीं हुआ है। हमने कहा दोनों बेवकूफ हो। इस प्रकार से वैमनुष्य फैला हुआ है, अकारण का विद्वेष चल रहा है। महाराज मनु और शत्रुपा से शिक्षा लो, आज के राम कथा का यही तात्पर्य है कि पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आज दोनों प्रेम से तपस्या कर रहे हैं, और प्रेम की पराकाष्ठा क्या हुई समझना, भगवान शिव के मंदिर में तुम्हें जाना पड़ता है, अनंत वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है तब भगवान शिव का दर्शन होता है, भगवान विष्णु का दर्शन होता है। लेकिन यहां प्रीति की पराकाष्ठा, जब पति पत्नी दोनों ने प्रेम से भगवान का स्मरण किया, ब्रह्म का चिंतन किया, तो याद रखना अभी ब्रह्म तो नहीं आया लेकिन ब्रह्मा आ गए। क्यों भाई ब्रह्मा आए कि नहीं, करहीं आहार सात फल कल्ला और सुम रही ब्रह्म सच्चिदानंदा। विधि हरि हर तप देख अपारा ओ मनुष्य मी पयाए बहु बारा। एक बारा नहीं, दो बारा नहीं, बहुवारा। बहुवारा का अर्थ होता है कि अनेक बार आए, आपके पास तो एक बार भी नहीं आ रहे, यहां तो अनेक बार आए, और आए ही नहीं, कह मांग ही बर बहु मांगहु बर बहु भांति लुभाए लेकिन परम धीर नहीं चलत चलाए। ब्रह्मा जी पहुंचे और ब्रह्मा जी ने कहा मैं ब्रह्म लोक से आया हूं, मनु क्या चाहिए, जो मांगो सो मिलेगा। महाराज मनु ने कहा मुझे ब्रह्मा से कुछ नहीं चाहिए,
ब्रह्मा जी लौटने लगे तो भगवान शंकर आए, रास्ते में भगवान शंकर मिल गए। भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा जी कहां गए हुए थे, कहा नैमिषारण्य तीर्थ गए थे। कहे नैमिषारण्य तीर्थ में दर्शन करने गए थे कि और किसी के लिए गए थे? कहे कि एक भक्त बैठा है तपस्या कर रहा है, उसको वरदान देने के लिए गया था लेकिन 2 घंटे खड़ा रहा, उसने देखा ही नहीं। तो मुस्करा करके भगवान शंकर ने कहा कि गए क्यों थे? कहे आप कहां जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा मैं वहीं जा रहा हूं। क्यों जा रहे हैं आप? कहे उसको वरदान देने के लिए। कहे जब हम 2 घंटे खड़े रहे तो आप अपना प्रतिष्ठा खराब क्यों कर रहे हैं? आप वापस लौटो। वो किसी की ओर देखने नहीं चाहता है। भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा आपकी लोकप्रियता में और मेरी लोकप्रियता में बहुत अंतर है। 5.5 लाख ग्रामों में ऐसा कोई ग्राम नहीं होगा जहां 2-4 मंदिर मेरे एक गांव में ना बने हो। और पूरे भारत में अगर खोजा जाए तो बहुत कम मात्रा में। क्यों भाई? इधर पुष्कर चले जाओ तो भगवान ब्रह्मा का दर्शन हो जाएगा, ब्रह्मा जी का मंदिर बना होगा। क्यों भाई? और भी छोटी पूरी जगह में कहीं किसी ने बनवा रखा हो, लेकिन विचार करना 5.5 लाख ग्राम है इस भारत देश में, ऐसा कोई ग्राम होगा जिसमें 2-4 मंदिर भगवान शंकर के न बने हो? बोलो। और बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं भोले बाबा, इतने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार तो एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने कहा महाराज जी मैं बड़ा दुर्भाग्य हूं। मैंने कहा क्यों? कहे मेरे गांव में 2-2 एकड़ जमीन वाले लड़कों की शादियां हो गई और मेरे पास 100 एकड़ जमीन है और 46-47 साल का हो चुका हूं, अभी तक विवाह नहीं हुआ और किसी बात की कोई कमी नहीं, तो आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा विवाह हो जाए, कम से कम वंश परंपरा नष्ट ना हो, इसलिए आप आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा कि तू मेरे पास आया, मेरे कोटे में ये प्राविधान है ही नहीं। क्यों भाई? इसलिए ऐसे के पास जाओ जहां विवाह वाला कोटा हो, वहां से मिलेगा। तो कहे महाराज ऐसे कौन है? हमने कहा एक काम करो, देवता तो सब बहुत अच्छे अच्छे हैं लेकिन भगवान शंकर बड़े दयालु कृपालु हैं, आशीर्वाद दे देंगे तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? हमने कहा उपासना करना, गंगा जल चढ़ा देना और ज्यादा कुछ नहीं चढ़ाना, एक धतूर का फल होता है ना, आप यहां क्या कहते हैं उसको, धतूरा बोलते, दूधरा, दूधरा का फल हमको चढ़ा देना और बस ध्यान करना। 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 3रे दिन भगवान शंकर प्रकट हो जाएंगे और आशीर्वाद दे देंगे, विवाह हो जाएगा तेरा। और मैंने कहा सुन बुरा मत मानना, भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, तू चला जा। जैसे वो गया उसने 1 दिन 2 दिन 3रे दिन भगवान शंकर प्रकट होके बोले मांग बर, मांग बर। उसने माथा रख लिया, माथे पर हाथ रख लिया। भगवान शंकर ने कहा ये माथे पर तूने हाथ क्यों रखा? उसने कहा बस अब मेरा दिमाग खराब हो गया आपकी बात सुन के। कहा क्यों? कहे आप भी आए तो कह रहे मांग बर, मांग बर, मांग बर। अरे बर तो मैं स्वयं हूं, मुझे तो वधू चाहिए। वो वापस मेरे पास आ गया। जैसे ही मेरे पास आया कहे महाराज जी भगवान शंकर ने भी बर की बात कही, इसलिए अब लगता है कि मेरा विवाह नहीं होगा, मैं बर ही बना रहूं, ऐसा ही बना रहूंगा, बर ही, विवाह नहीं होना है। मैंने कहा सुन जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से विवाह नहीं होते, यह भी एक संयोग होता है और ये ब्रह्मा के यहां से विधान होता है, इसलिए परेशान मत हो और ऐसा मत सोच कि 2 एकड़ वाले का विवाह हो गया, मेरे पास 100 एकड़ जमीन है। मैंने कहा जो देश का प्रधानमंत्री बना रहा अटल बिहारी वो 78 साल का हो गया, अभी तक उसका विवाह नहीं हो पाया, और जो राष्ट्रपति बना बैठा है कलाम उसकी उम्र भी 78 वर्ष की हो चुकी लेकिन अभी तक विवाह नहीं। हम की विवाह को बहुत सस्ता मत समझा करो, इसलिए अपने भाग्य को दुर्भाग्य में मत बदलो। अब तेरा विवाह नहीं हुआ है तो आ मेरे पास आ जा, मैं तुझे अखाड़े में भर्ती कर लू अपनी। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि प्रेम होना चाहिए, पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। आज महाराज मनु के पास ब्रह्मा पहुंचे, भगवान शंकर पहुंचे, विष्णु भगवान भी पहुंचे, लेकिन ये तीनों पहुंचे, अंत में स्थिति क्या बनी? मांगहु बर बहु भात लुभाए, लेकिन परम धीर नहीं चलत चलाए। स्थिति क्या हो गई?
अस्थि मात्र हो गया वो शरीरा तदपि मनांद मन ही नहीं पीड़ा। अस्थि मात्र शरीर हो गया लेकिन हृदय में पीड़ा नहीं है। यदि व्यक्ति के शरीर का 2 किलो वजन कम हो जाता है तो पूरे गांव में रोता है, क्या करूं जाने क्यों वजन कम हो गया, मैं बहुत परेशान हूं, बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन अस्थि पंजर शरीर हो गया लेकिन पीड़ा नहीं है। अच्छा भाई पीड़ा नहीं है तो जब भगवान विष्णु आए थे तो शत्रुपा जी ने कहा ये तो भगवान है इनसे मांग लीजिए। महाराज मनु ने कहा देखो मैंने कहा था ना कि तुम मेरे साथ तपस्विनी बनकर के तो रहोगी लेकिन बीच में बोलोगी नहीं, और तुम्हारे जीवन में लोभ आ गया कि नहीं आ गया, मन में लोभ आ गया कि मांग लो, मांगना ये क्या है, ये लोभ की प्रवृत्ति है कि नहीं, क्यों भाई मांगना क्या है। लेकिन एक बात समझना, ऐसा मत समझना कि स्वामी सत्य प्रज्ञानंद जी सरस्वती को यज्ञ के सहयोग के लिए भक्त दे रहे हैं तो आप समझो ये मांग रहे हैं, अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण कराया और पूरे देश से मांगा था लेकिन अपने लिए मांगा था। विश्वामित्र जी ने चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के दरबार में राम लक्ष्मण को मांगा था, अपने लिए मांगा था। हमारे संत कहते हैं कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, लेकिन परमारथ के काज में मोहिन आवत लाज। परमार्थ के लिए मांगने में मुझे कोई लज्जा नहीं, इसलिए परमार्थ के लिए मांगना यह मांग नहीं होती है, भिखारियों की मांग नहीं है, ये सद्विचारों सद्विचारियों की मांग है। आज मांगा नहीं, देने वाला अपने आप दे रहा है। कौन? मांग मांग बर भई नव बानी परम गंभीर कृपामृत सानी। देखो ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की वाणी से पृथक ब्रह्म की वाणी। जब ये तीनों पहुंचे ब्रह्मा विष्णु महेश तो कोई परिवर्तन दिखाई दिया? बोलो भाई अस्थि मात्र हो गए शरीरा, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन अभी ब्रह्म की वाणी मात्र सुनाई दे रही है और ब्रह्म की वाणी में कितना अंतर है, ब्रह्म की वाणी कितनी प्रभावशाली है, ब्रह्म की वाणी का कितना प्रभाव है कि जैसे ही ब्रह्म वाणी सुनाई दी तो परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन हुआ? अस्थि मात्र हो गए शरीरा की स्थिति थी लेकिन जैसे ही मांग मांग बर भई नभ बानी परम गंभीर कृपामृत शानी, वो जैसी बाणी सुनाई दी तो मृतक जियावल गिरा सुहाजी और श्रवण रंध उर्ज आई श्रवण रंध होए यही उड़लाई। जैसे कानों तक वह वाणी पहुंची और कर्ण के द्वारा हृदय में हृदयस्थ हुई तो शरीर का स्वास्थ्य बदल गया, स्वरूप बदल गया। कैसे बदला? कहिष्ट पुष्ट तन भयऊ सुहाए ओ मानहु अबही भवनते आए। जैसे अभी भवनते आ रहे हूं, यह है ब्रह्मवाणी का प्रभाव। बहुत अच्छा स्वास्थ्य हो गया। शत्रुपा जी ने कहा स्वास्थ्य से तो प्रसन्नता मिली क्योंकि ब्रह्मवाणी का यह प्रभाव रहा कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया, अब तो संतुष्टि हो जानी चाहिए। तो महाराज मनु ने कहा कि हम स्वास्थ्य लेने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि आजकल स्वास्थ्य लोग चाहते हैं, यह बहुत अच्छी बात है। पहला सुख जीवन का क्या है? निरोगी काया। समझना बहुत बढ़िया बात है, इस बात को कहूंगा और इसके बाद अभी तो 12:57 हो गए, 3-4 मिनट 1 बजे तक है ना, 1 बजे तक। स्वास्थ्य लेने के लिए हम नहीं आए, कहा फिर कृपा लेने के लिए आए हैं। तो अभी तो स्वास्थ्य मिला है तो ब्रह्मवाणी ने कहा कि मेरा कोई आकार नहीं है इसलिए मैं केवल बोल सकता हूं और आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा।
मेरा कोई आकार नहीं। तो महाराज मनु ने कहा कि मुझे तो आकार चाहिए। तो ब्रह्मवाणी ने कहा कि आकार हो तब ना आकार लेकर के आऊं। तो महाराज मनु ने कहा कि जब तक आप आकार लेकर के मेरे सामने नहीं आएंगे तब तक मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। देखो इसको कहते हैं दृढ़ प्रीति। जिसके जीवन में प्रीति होती है उसको परमात्मा के पास जाना पड़ता है, और जिसके जीवन में दृढ़ प्रीति होती है परमात्मा को उसके पास चल के आना पड़ता है। बस यही प्रीति और दृढ़ प्रीति में अंतर है। महाराज मनु दृढ़ प्रीति वाले भक्त हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं, आपको आना पड़ेगा, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। कह वाणी से ही आनंद ले लो, स्वरूप का दर्शन नहीं हो पाएगा। ना मैं निराकार हूं ना मैं साकार हूं। फिर मनु जी ने कहा आप हैं क्या? ब्रह्मवाणी कहती है ना मैं निराकार हूं ना मैं साकार हूं, भक्ति की भावना से तदाकार हूं। जैसा भक्त मुझे आकार प्रदान करेगा उसी आकार में मैं आ जाऊंगा। अच्छा आकार दीजिए, किस आकार को लेकर के मैं आऊं? अब देखो मनु जी ने आकार दिया, कौन सा आकार दिया? कि जो स्वरूप बस स्यू मन माही, जो स्वरूप बस स्यू मन माही, और जही कारण मुनि जतन कराही, और जो भुसुंड मन मानस हंसा, अगुण सगुण जही निगम प्रशंसा, देखें हम स्वरूप भर लोचन, कृपा करहु प्रण तारथ मोचन। अच्छा ब्रह्म के बारे में श्रीमद गोस्वामी जी ने चर्चा किया क्या? कह बिन पग चले सुने बिन काला, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आन रहित सकल रस भोगी, ओ बिन वाणी बकता बड़ जोगी, ओ तन बिन परस नयन बिन देखा, ओ लहै घ्राण बिन वास असैषा, अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा, जासु जाए नहीं वर्णी, नेति नेति कहे वेद निरूपा। अब आप विचार करना आगे का दोहा बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या? जे यू गा वही वेद बुध, और जाहे धरे मुनि ध्यान, सोई बिन पग चले सुने बिन काना वाला सोई, दशरथ सुत भगत हित कौशल पति भगवान। वही भगवान आज वो है स्वरूप लेकर के आया। कौन सा स्वरूप लेके? जो स्वरूप बस स्यू मन माही। भगवान शंकर के मन में कौन सा स्वरूप विद्यमान है? वही स्वरूप नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता शमारो पितुवाम भागम, वही रूप। तो क्या भुसुंडी जी के मन में भी यही रूप विद्यमान है? हाँ यही। तो भगवान किस रूप को लेकर के आया हुआ है? ब्रह्म जब आकार रूप में प्रकट हुआ तो कौन सा रूप लेके आया? कहे नील सरोर ही नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजे तन सोभान रख कोटि कोटि सतिकाम। वह ब्रह्म नीलांबुज श्याम प्रकट हो गया, और जैसे भगवान सामने आए कहा अब संतुष्ट हो, मांगो मांगो। शत्रुपा जी ने कहा जल्दी मांग लीजिए। महाराज मनु ने कहा मैंने पहले ही मना कर दिया था कि बीच में नहीं बोलना, मैं मांग रहा हूं। अच्छा मांगने की विधा देखें आप कितनी विचित्र है। महाराज मनु कहते हैं दान श्रोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सतीभाव, और चाहो तुम ही, हम आपको ही चाहते। भगवान ने कहा यह मांगने का तरीका है क्या? ये मांगने का तरीका तो नहीं है। क्यों भाई? कोई मांगने वाला किसी से मांगे तो देने वाला क्या सोचेगा? मांगने वाला जब मांगता है तो देने वाला देने के पहले सोच लेता है कि चलो रुपया दो रुपया दस रुपया बीस रुपया पचास लाख एक करोड़ मांगेगा।
क्यों भाई? जमीन जायदाद मांगेगा, प्रॉपर्टी मांगेगा, लेकिन ये तो नहीं सोचेगा कि हमको ही मांगेगा। क्यों भाई? तो मनु जी कहते हैं कि चाहो तुम्हें, मैं आपको चाहता हूं। अच्छा तो एक बात बताऊं, तुम्हें व माता च पिता तुम्हें, मां के रूप में आप मांगेंगे भगवान को, पिता के रूप में मांगेंगे, भाई के रूप में मांगेंगे, स्वामी के रूप में मांगेंगे। क्यों? यही तरीका होता कि नहीं? जब आप भगवान को मांगते हैं, ठीक है, मैं मानता हूं आपकी भक्ति पर मैं बहुत प्रसन्न हूं, और आप भगवान से यही कह रहे हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपको चाहिए, आपकी कृपा बनी रहे। तो कृपा आप यदि चाहते हैं तो आप सेवक होंगे और हमारे प्रभु क्या होंगे? स्वामी होंगे कि नहीं होंगे? इस रूप में आप मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? आप स्वयं सेवक होंगे और प्रभु को स्वामी के रूप में मांगेंगे। लेकिन ये मांगने वाला भी बड़ा विचित्र है, इसने मांगा तो क्या मांगा? कह चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। मैं आपको बेटे के रूप में चाहता हूं, मैं बनूं बाप और आप बने बेटा। भगवान ने कहा ये मांगने वाला भी बड़ा विचित्र मिला कि बाप बन रहा है और मुझे बेटा बना रहा है। चाहो तुम ही समान सुत, भगवान ने कहा समस्या ये है कि हमारे समान कोई है ही नहीं, तो कहे जब है नहीं तो आप ही आ जाओ। शत्रुपा जी ने कहा इतना बढ़िया बेटा छोड़ के घर में आए हो फिर भी बेटा ही मांगा। अरे बेटा होता नहीं है तब बेटा मांगा जाता है, जब बेटा पहले से ही है और सुंदर बेटा। क्यों भाई? सदाचारी बेटा है महाराज मनु का कि नहीं? किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की जा सकती है महाराज मनु के पुत्र पर, लेकिन इतना सुंदर संस्कारी बेटा उसको छोड़ करके आए और तपस्या किया तो मांगा बेटा ही, ऐसा क्यों? महाराज मनु ने कहा शत्रुपा तुम नहीं जानती हो, आज मैंने एहसास किया कि बेटा के मायने क्या होता है, पुत्र माने क्या होता है। आज वर्तमान परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो समाज सबसे ज्यादा प्रसन्न किससे है? आप कहोगे स्वामी जी किससे प्रसन्न है? सबसे ज्यादा अगर वो प्रसन्न है तो बस संतों की कृपा से, ये मानिए। और सबसे ज्यादा अप्रसन्न किससे है? कह अपने बेटे से। क्यों भाई? है कि नहीं? संतों की कृपा से प्रसन्नता मिलती है, और बेटा जब मिलता है तो अप्रसन्नता मिलती है। क्यों भाई? मिलती कि नहीं? हमारे यहां तो एक कहना है, सूत्र भी है कि देश परेशान नेता से और बाप परेशान बेटा से। क्यों भाई? है नहीं? देश अगर परेशान है तो नेता से, और बाप अगर परेशान है तो बेटा से। तो कहा कि आज मैं समझ पाया कि बेटा किसे कहते हैं। कहा किसको कहते हैं? महाराज मनु ने कहा बेटा इसी को कहते हैं, हम दोनों ने तपस्या किया, अस्थि मात्र शरीर हो गया था, लेकिन केवल वाणी सुनाई दी, उस वाणी का ये प्रभाव हुआ, हिष्ट पुष्ट तन भय स्वाये मानव अवय भवन्ते आए। ये केवल वाणी का प्रभाव है। तो ऐसा ही पुत्र चाहिए। पुत्र उसी को कहते हैं कि बाप यदि 8 घंटे का परिश्रम करता है और 8 घंटे का परिश्रम करके यदि वो घर में पहुंचता है, और बेटा बाप के सामने यदि पहुंचता है, तो बेटा का ऐसा व्यवहार बाप के प्रति होना चाहिए, बेटा की ऐसी वाणी पिता के समक्ष निकलना चाहिए कि पुत्र की वाणी को सुनकर के पिता का 8 घंटे का परिश्रम 8 मिनट में दूर हो जाए। उसी को पुत्र कहते हैं, उसी को बेटा कहते हैं। और जिस बेटे की बात को सुनकर के बाप का हार्ट अटैक हो जाए, बोलो क्या उसको हम बेटा कहेंगे? उसको हम चपेटा कहेंगे, वो बेटा नहीं होता है। आज ऐसे ही बेटे हैं समाज में कि जिनकी बात को सुनकर के पिता अफसोस में रात्रि गुजार देता है, उसकी आंखों में नींद नहीं आती है। आज रात्रि सोने के लिए बनाई गई है, लेकिन आज रात्रि जागरण में कट जाती है अफसोस के कारण। दिन में काम करता है और रात्रि में पुत्र की चिंता में जागता रहता है, वो सो ही नहीं पाता है। ऐसे पुत्र हैं, ऐसे बेटे हैं। ये बेटे नहीं हैं, ये पुत्र नहीं हैं, ये लड़के हैं। लड़के, इनको हम लड़के कहते हैं। क्यों भाई? कहते नहीं महाराज जी हमारा लड़का है। हमका लड़के क्या होता है? लड़के मानी होता है जो स्कूल जाए लड़के, कपड़े बनवाए लड़के,
जमीन जायदाद बताए लड़के और जिंदगी भर लड़के है? हाँ, जो पैदा किया हो लड़का, लड़के पैदा किया दोनों। तो मैं आपसे निवेदन करूं, ये लड़के हैं, इसलिए याद रखना महाराज श्री दशरथ के यहां तो दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, यहां तो पुत्र हुआ है ना, लड़का नहीं। तो आज महाराज मनु ने कहा ऐसे पुत्र की आवश्यकता है, इसलिए आप पुत्र बन के आ जाएं। भगवान ने कहा आप सदिश खो जाऊं कहां जाई, उनप तो वतन हो मैं आई, मैं ही बेटा बन के आ जाऊंगा। महाराज मनु ने कहा मैं प्रसन्न हूं। अब देवी शत्रुपा हाथ जोड़े खड़ी थी बगल में, क्योंकि बराबरी से तपस्या की है देवी ने, किया कि नहीं? पत्नी ने बराबरी की तपस्या किया है। तो भगवान ने कहा कि मैंने मनु जी को तो संतुष्ट कर दिया, लेकिन शत्रुपा जी से तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, इन्होंने भी तपस्या किया। तो भगवान कहते शत्रुप ही बिलोक कर जोरे, देवी मांग बर जो रुचि तोरे। हे देवी, उदास होकर के क्यों खड़ी हो, तुम भी मांगो वरदान, क्योंकि महाराज मनु को मैंने दे दिया वचन, आपको भी मैं वरदान दूंगा, इसलिए मांगो। देवी मांग बर जो रुचि तोरे, जो तुम्हारे मन में रुचि हो वैसा ही मांगना, मैं वैसा ही वरदान दूंगा। क्या रुचि है? तो मांगा वांगा तो कुछ नहीं, आंखें लाल लाल और कर ली एकदम क्रोध में शत्रुपा जी। भगवान ने कहा आप तो बहुत सीधे सादे लग रहे हैं मनु जी, लेकिन देवी जी बहुत तेज तर्रार हैं, क्योंकि अभी कोई चर्चा ही नहीं हुई, एकदम क्रोध आ गया। देवी शत्रुपा ने नेत्रों में आंसू भर के कहा महाराज आपके व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। भगवान ने कहा मैंने क्या गलत व्यवहार आपके साथ कर दिया? शत्रुपा जी ने कहा कि जो आप वाणी बोल रहे हैं यह वाणी हमारे हृदय को दुखी कर रही है। भगवान की वाणी से तो हृदय प्रसन्न होता है, होता कि नहीं? लेकिन देवी शत्रुपा को यह एहसास क्यों हुआ कि आपकी वाणी सुनकर के हृदय को दुख मिल गया? भगवान ने कहा मैंने तो इतनी कठोर वाणी नहीं निकाली कि हृदय को दुख मिलना चाहिए, लेकिन आप दुखी क्यों हो गई? शत्रुपा जी ने कहा जो आप बार बार अपने मुखारविंद से कह रहे हैं देवी मांग, देवी मांग, देवी मांग, हे देवी मांगो, हे देवी मांगो, हे देवी मांगो, तो ये आपके मुख से देवी संबोधन मुझे दुख पहुंचा रहा है। भगवान ने कहा अगर भारतीय संस्कृति में पली हुई नारी के लिए अगर देवी कह दिया जाए तो बोलो ये कोई अनर्थ तो नहीं है, क्यों? ये कोई अशिष्ट व्यवहार तो नहीं है? देवी संबोधन तो श्रेष्ठ माना जाता कि नहीं? तो मैंने यही तो कहा देवी मांग। शत्रुपा जी ने कहा यह बात सत्य है कि किसी नारी को देवी कह देना यह श्रेष्ठ संबोधन है, लेकिन हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे प्रभु, आपकी वाणी सुनकर के मुझे इसलिए दुख मिल रहा है कि जब आपने मेरे पति को पिता के रूप में स्वीकार किया है तो मुझे देवी नहीं माता कहना पड़ेगा। जब तक माता नहीं कहोगे तब तक मैं प्रसन्न होने वाली नहीं हूं। इसलिए देवी में और माता में अंतर होता है। क्यों भाई, अंतर होता है कि नहीं? भगवान ने कान पकड़ लिए, क्षमा कर लो, ये भूल हो गई मुझसे। भगवान कहते हैं अब तो मातु विवेक अलौकिक तोरे। अब कहा माता कि नहीं कहा? मातु विवेक अलौकिक तोरे, ओ कबहू न मिटहि अनुग्रह मोरे। भगवान मां कह रहे हैं शत्रुपा जी से, मां कह रहे हैं महाराज मनु से, पिता कह रहे हैं। देखा, यह प्रेम की पराकाष्ठा। जब पत्नी पति के अनुकूल चलती है तो उस अनुकूलता में परमात्मा उन दोनों को माता और पिता के रूप में स्वीकार करता है, याद रखना। अच्छा भाई, रावण किन परिस्थितियों में पैदा हुआ? ठीक इसी विधा से, बिल्कुल प्रसंग से मिलता जुलता क्रम है। राम के जन्म का ये हेतु प्रारंभ हुआ, लेकिन रावण के जन्म का तो दो चार मिनट की बात सुन लीजिए, दो चार मिनट में बता देता हूं।
महाराज मनु की तपस्या भगवान राम का जन्म और सत्यकेतु की तपस्या रावण का जन्म है ना, सत्यकेतु की। अब आप कहें स्वामी जी ये सत्यकेतु ने क्या किया, तो समझना सत्यकेतु की बात को समझना। जैसे महाराज मनु एकांत कक्ष में रोने लगे थे ना, तो शत्रुपा जी ने जाकर के प्रणाम किया और पूछा, पति जब दुखी होने लगे तो पूछ लिया करो कारण क्या है, आप क्यों दुखी हो, पूछ लिया करो। और नहीं कभी कभी पूछा जाता है कि पति क्यों रो रहा है, महाराज इनकी तो रोने की आदत है, रोते रहे जिंदगी भर, रोते रहे कहां तक इनको समझा मैं, नहीं ऐसा नहीं, पूछ लिया करो आखिर रोने का कारण क्या है, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, किसी ने कुछ कह दिया, पुत्र ने कुछ कहा, पुत्री ने कुछ कहा, पड़ोसियों ने कुछ कहा, कारण क्या है जरूर पूछा करो, क्योंकि तुम पति की सारथी हो। क्या हो? सारथी, स्वार्थी नहीं हो, सारथी। सत्यकेत ने सोचा जब मनु रो सकता है तो मैं क्यों नहीं रो सकता हूं, जब मनु की पत्नी शत्रुपा पूछ सकती है तो मेरी पत्नी भी पूछेगी क्यों रो रहे, और जब मनु अपने बेटे को जबरदस्ती राज्य दे सकता है तो मैं क्यों नहीं दे सकता हूं, और जब मनु का बेटा कह सकता है पिताजी आप जब तक जीवित हैं तब तक आप राज्य चलाइए मैं तो संचालन करूंगा आपकी आज्ञा से, तो मेरा भी पुत्र कह सकता है, जब मनु जबरदस्ती बेटे को राज्य दे सकते हैं तो मैं भी अपने बेटे को जबरदस्ती दे सकता हूं राज्य, जब मनु जंगल में तपस्या कर सकते हैं मैं भी तपस्या कर सकता हूं जंगल में, इसने भी बराबरी करना सोचा। और ये सत्यकेत एकांत कक्ष में रोने लगा, रोने लगा तो तीन दिन तक रोता ही रहा, किसी ने पूछा ही नहीं, यहीं से मामला गड़बड़ हो गया सर, रोता ही रहा। अब इसने कहा कि पत्नी तो पूछ ही नहीं रही है तो अब एक काम करें पत्नी के सामने ही डायरेक्ट रोवे, तब तो पूछेगी, डायरेक्ट रो तब तो पूछेगी कि आखिर रोने का कारण क्या है। ये सत्यकेत गया अपनी पत्नी के सामने रोने लगा, पत्नी ने लाल आंखें करते हुए कहा तुम्हारी बढ़ौती में भी आदत नहीं समझी क्यों रो रहे हो, तो सत्यकेत ने कहा भजन नहीं कर पाया, तुम्हें रोने की क्या बात है भजन करो, तो कहा बेटे को तो बुलाओ उसको राज्य तो दे दें। तो सत्यकेत सोच रहा था कि बेटा आएगा और कहेगा पिताजी आप जब तक जिंदा हैं तब तक हम नहीं लेंगे राज्य, और मैं कहूंगा नहीं लेना पड़ेगा, वो कहेगा नहीं मैं नहीं लूंगा तो मैं जबरदस्ती दे दूंगा जैसा मनु के पुत्र ने किया था। तो जैसे ही पत्नी ने पुत्र को बुलाया तो सत्यकेत का पुत्र जैसे ही पिता के सामने पहुंचा तो सत्यकेत ने कहा बेटा राज्य ले लो, बेटा बोला मना कब किया लाओ। एक बार भी उसने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं जब तक आप जीवित हैं तब तक राजा आप ही रहेंगे, मुझे राज्य नहीं चाहिए। अच्छा आप कहें प्रमाण बताइए, तो देखो मानस से हटके मैं नहीं कहूंगा, बिल्कुल मानस में ही प्रमाण दूंगा, ये राम कथा है मानस में ही प्रमाण। गोस्वामी जी कहते हैं जब मनु जी ने दिया तब तो बरबस राज सुत नृप दीन, बरबस मानी जबरदस्ती, और सत्यकेत ने जब अपने बेटे को राज दिया तो जे थे सुत ही राज नृप दीन, मनु जी ने बरबस राज सुत नृप दीन, सत्यकेत जे थे सुत ही राज नृप दीन, बोलो अंतर हो गया कि नहीं। यहां जबरदस्ती नहीं हुई, मतलब पिता ने दिया और पुत्र ने लिया, और वहां मनु जी के यहां पिता ने दिया और बेटे ने लिया नहीं, फिर पिता ने जबरदस्ती राज्य दिया, क्यों अंतर हुआ कि नहीं हुआ, यानी दोनों के बेटों में भी अंतर हो गया। अच्छा अब आप पत्नी का जरा मूल्यांकन कर ले, थोड़ा पत्नी में कितना अंतर है। यहां महाराज मनु ने शत्रुपा जी से नहीं कहा था तुम मेरे साथ चलो, लेकिन नारी समेत गवन मन कीना, अपने आप शत्रुपा जी अनुगामनी बन के चलने लगी। तो सत्यकेत ने सोचा कि चलो बेटे ने मामला गड़बड़ कर दिया तो पत्नी तो कहेगी आप जा रहे तो मैं यहां अकेली क्या करूंगी, आपके साथ मैं भी चलूंगी। और जैसे ही सत्यकेत राज्य दे के चलने लगा तो पत्नी से कहता है मैं चलूं, तो पत्नी कहती जब दे ही चुके सब तो यहां रह के करोगे क्या, जाइए
वो अकेला ही गया, अकेला अकेला। आप कहें प्रमाण बताइए कि अकेला गया, तो रामायण का प्रमाण है मानस में। क्या प्रमाण है? महाराज मनु कैसे गए थे? बरबसुराज सुतहिं रप दीला तो नारी समेत गवन बन कीना। और सत्तु के जेठे सुतहिं राज नप दीना ओ हरिहित आप गवन बल कीना। आप मानी अकेला, आप मानी क्या होता? अकेले गया सत्केत गया, और मनु जी पत्नी के साथ गए, और सत्केत अकेला गया। अब बात समझ में आ गई ना? महाराज सत्केत की जो पत्नी है वो पति के प्रतिकूल है, अगर अनुकूल होती तो साथ में जाती कि नहीं जाती? क्या है? प्रतिकूल। और यहां शत्रुपा जी अनुकूल है, परिणाम क्या निकला समझ लेना। बस राम के जन्म का हेतु और रावण के जन्म का हेतु, श्री राम कैसे जन्म लेते हैं और रावण कैसे पैदा होता है, बस समझ लो इस अंतर को। जैसे ही महाराज मनु शत्रुपा दोनों एक साथ तपस्या कर रहे हैं तो भगवान श्री राम का जन्म हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? आश्वासन दे दिया, ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशल पुरी प्रगट निर्भूपा तनिके ग्रह अवतरियो जाई रघुकुल तिलक सुचारो। भाई और सत्केत अकेला जंगल में तपस्या कर रहा है तो राक्षस पुत्र पैदा हो गया। हो गया कि नहीं? बस इस कथा का यही आशय और तात्पर्य है कि जिस परिवार में पत्नी पति के अनुकूल चलती है उस परिवार में श्री राम का जन्म होता है, और जिस परिवार में पत्नी पति के प्रतिकूल चलती है उस परिवार में राक्षस रावण का जन्म होता है। बस यही अंतर है श्री राम के जन्म में और रावण के जन्म में। राम जन्म के हेतु अनेका, ये चर्चा कल होगी, आज इतना ही काफी हो गई चर्चा। 1:19 हो चुका है भाई। मैं तो ये सोच रहा था कि 10-5 बोलूंगा, लेकिन 1 घंटे तो हो ही गया होगा, है ना? अब क्या करें, मैंने बताया ना कि हमारे स्वामी सत्य प्रज्ञानंद जी महाराज इतने प्रेम मूर्ति हैं कि इनके प्रेम में हम बह जाते हैं, है ना? लेकिन याद रखना, ऐसा मत समझना, रात्रि में मैंने कहा था कि बहता तो मुर्दा है, जिंदा तो धारा को चीर के किनारे पर आता है। लेकिन याद रखना, प्रेम के प्रवाह में जो बहता है, भले ही बहने वाले को मुर्दा कहते हैं, लेकिन उसके हाथ को श्री रघुनंदन राघव राम पकड़ लेते हैं तो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है, जहां भगवान का हाथ का स्पर्श हो जाता है ना। इसलिए प्रेम के प्रवाह में बहना ये सिद्धांत है, लेकिन प्रेम का प्रवाह ये मत समझना। हाँ, नदिया के पार वाला प्रेम नहीं, समझ ले, ये प्रेम उपासनात्मक प्रेम होना चाहिए। हम लोग वासना का प्रेम करते हैं ना, ये नहीं, उपासनात्मक प्रेम होना चाहिए। हम भगवान के चरणों में प्रेम करें, हम राष्ट्र के प्रति प्रेम रखें, हम अपने से बड़ों का आदर करते हुए अपने से समवयस्क और अपने छोटों से प्रेम करें, और राष्ट्र से प्रेम करें, माता पिता से प्रेम करें, भाई बंधुओं से प्रेम करें, हम भगवान की भक्ति करें, भगवान के चरणों से प्रेम करें, हम संतों से प्रेम करें, और हम अपनी पृथ्वी माँ से प्रेम करें, हम गौ माँ से प्रेम करें, हम गंगा माँ से प्रेम करें। ये प्रेम जिस दिन जीवन में आ जाएगा उस दिन निसंदेह आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए उपासनात्मक प्रेम होना चाहिए, और उसी प्रेम का परिणाम है कि आज निराकार ब्रह्म भी साकार हो गया। हो गया नहीं हो गया? निराकार भी साकार हो गया। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ये निराकार से साकार हुए कि नहीं हुए? इसलिए आप सब प्रीति पूर्वक भगवान का नाम लें। शेष चर्चा रात्रि में भी मुझे आना ही पड़ेगा, है ना? हाँ, रात्रि में भी आना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि आपका प्रेम जो है छोड़ नहीं सकता है, इसलिए मैं आऊंगा, अवश्य आऊंगा, और रात्रि में भी पर्याप्त समय दूंगा बोलने में, है ना? इसलिए आप लोग चिंता ना करें, और कल दिन की सभा समय से प्रारंभ हो जाएगी, समय से आप लोग समय से आइएगा,
आज विलंब हो गया क्योंकि यज्ञ मंडप में प्रवेश हो गया था, इसलिए वहां से थोड़ा विलंब हुआ आने में। और फिर यज्ञ परिक्षेत्र में भी मैं घूमा, नाम यज्ञ जहां चल रहा है वहां भी मैं गया, अन्नपूर्णा क्षेत्र में भी मैंने प्रवेश किया, तो इस तरह से यज्ञ परिक्षेत्र का भ्रमण भी हो गया, उसमें भी विलंब हुआ। फिर यज्ञ मंडप से निकलने में भी थोड़ा सा विलंब हुआ, लेकिन वह सब प्रवचन के अधीनस्थ ही तो है, उपदेश ही तो है। यज्ञ की सेवा में समर्पित होना वह सब प्रवचन और उपदेश के बराबर ही है, इसलिए आए भगवान के नाम का जप करें। बस क्रमबद्ध तरीके से हम आपको कथा सुनाते जाएंगे, ठीक है ना? इसकी आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे, फिर उसकी आगे की कथा परसों सुनाएंगे, और 14 तारीख तक ऐसी कथा सुनाते भी जाएं तो चलेगा। अच्छा 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 हम अच्छा स्वामी जी के प्रेम से हम हमेशा सुनाते ही रहेंगे, है ना? ऐसा नहीं कि यज्ञ में ही सुना रहे हैं, हमेशा सुनाते रहेंगे। श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, श्री राम, जय राम, जय 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 जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय सच्चिदानंद भगवान की। खोद खाद पृथ्वी सहे काट कूट बनराय, दुष्ट वचन साधु सहे और से सहन जाए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के अमृतमय उपदेश अभी तक हम सब श्रवण कर रहे थे। आप सब अब तक भजन में मगन थे, अब भोजन में भी मगन होना होगा, लेकिन ध्यान रहे मात्रा का, जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी कई दिनों तक हमें सत्संग एवं साधु संतों के आशीर्वचन प्राप्त करने हैं।
अभी का कार्यक्रम यहीं स्थगित होता है।